जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू नारनौल सिटी। माई सेल्फ एडवोकेट पी के सैनी। आज हम नारनौल के डोसी हिल्स पे जाएंगे। वहाँ पे हर वर्ष की भांति सावन में सोमवती मावस पे विशाल मेला भरता है और वहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं। वहाँ पे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा क्या रहता है। और वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी ही मोरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। जय श्री राम। चलिए चलते हैं। ना रखू भाई, मैं तो आगे ले जाऊंगा। डोसी गांव में आपका स्वागत है। ऑलमोस्ट अपन पहुंच ही गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे ही गाड़ी वगैरह खड़ी कर रखी है, लोगों ने आगे ले जाने नहीं दे रहे शायद यहाँ पे। यहाँ पे हमने बाइक लगा दी है और पैदल पैदल जाते हैं अब आगे। काफ़ी संख्या में भीड़ तो आ रही है, आपको दिख रही होगी। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे बहुत काफी भीड़ है। यहाँ पे देख सकते हो पुलिस वगैरह की गाड़ी भी खड़ी है, भीड़ बहुत काफी है यहाँ पे। और वो बैठे हमारे बालाजी महाराज, एसी वाले बालाजी महाराज की जय हो। भीड़ काफी हो रही है, आपको दिखा देते हैं। देखिए भीड़ अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे अंदर। बाहर भेज रहे हैं। इन्ना 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 जाने खड़ा नहीं हो लिया सामने, गेट सामने, गेट सामने। अबे 500 रुपया दो लोग ले जाएं। यहाँ पे गेट बंद कर रहे हैं, गेट बंद कर दिया है। अंदर किसी को जाने नहीं। आप देख सकते हो इन्होंने सामान लगा रखा है। यहाँ पे भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुलिस उनको आने नहीं दे रही, सीधे ही गेट से बाहर भेजने के लिए बोल रखा है।
यहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहा, आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे किसी को, सीधे ही बाहर जाने के लिए कहा है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण काफ़ी लोग चक्कर वगैरह खा के पड़ गए हैं। सुनने में ये भी आया कोई एक्सपायर भी हो गया, पर ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। ये भी खाली बैठे हैं बेचारे, उनके पास भी कोई कस्टमर वगैरह नहीं आ रहे हैं। ये दादी भी ऊपर से होके आई है, जिसे सीधा भी नहीं चला जा रहा, ये भी ऊपर से आई है। अब के बाद ये बूढ़ी बूढ़ी औरत नहीं बहुत जान है, ये सब ऊपर दर्शन करके आई है, और हम जैसे जवान लोगों को ऊपर जाने नहीं दे रहे। देख सकते हो आप, ये ऊपर से ही आ रही भीड़। हमें तो ऊपर जाने नहीं दिया, पर ये ऊपर की वीडियो है पहाड़ पे से बनाई हुई, किसी साथी के द्वारा भेजी गई है। मेरे पास काफ़ी क्लिप्स हैं जो मैंने वीडियो में लगा दिए आपके लिए, आप देख सकते हैं। भारी संख्या में भीड़ है। एक साइड पर आके वो सब एक लाइन में माता जी आराम से लीजिए। सोमवती अमावस के दिन आपको इस पावन तीर्थ स्थल ढोसी के महिमा के बारे में मैंने कई बार बताया, आज मैं आपको जो आज सोमवती अमावस का दिन है, बहुत ही एक पावन दिन है। इस दिन जब हम आपको कहते थे कि लाखों की भीड़ यहाँ पर पहुँचती है, तो लोग बाग ये समझते थे कि पता नहीं पहुँचती है कि नहीं। आज आपको मैं यहाँ आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जो श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़ी तादाद में माताएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग, यहाँ तक कि 100-100 साल के बुजुर्ग माताएं दादियां यहाँ पर चढ़ रही हैं। देखिए कैसे किस तरह पहाड़ों से चढ़ते हुए ऊपर दर्शन करने के लिए। ये जो मैं आपको स्थान दिखा रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ शुरुआत होती है, बाकी 2 किलोमीटर की आगे चढ़ाई है। ये अपने कुलताजपुर रोड से ये चढ़ाई चालू होती है और शुरुआत होती है, उसके बाद यहाँ से शुरुआत होते हुए दर्शनार्थी ऊपर चढ़ते हैं। ये देखिए किस तरह से लोग बाग श्रद्धालु अपने ढोल नगाड़ों के साथ, भक्ति भाव के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए पधार रहे हैं। और एक ये भी आपको बता रहा हूँ, कल से शुरू से सुबह से ही लोग बाग आने चालू हो गए थे, और कल सुबह से ही दर्शन कर करके दिन रात चल रहे हैं। और ये अब आप देखिएगा श्रद्धालु किस तरह से अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बुजुर्ग माताएं बहनें पहुंच रही हैं, और ये इस तरह ये इस घुमाव से चलते हुए आगे पहुंचते हैं, और ऊपर इस जो आपको चोटी दिख रही है उस पर पहुंचकर पीछे दर्शन करते हैं, वो भी मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं, और यहाँ पर देखो किस तरह पहाड़ों पे ऊपर चढ़ रहे हैं और अपने दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और एक यहाँ का विशेष जो यहाँ का महत्व है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख लो किसी भी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं, और आराम से
यहाँ पर चल रहे हैं और शिवकुंड धाम की तरफ से यहाँ पर भंडारा भी किया गया है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु भंडारा लेकर के जा रहे हैं। और परली साइड भी मैं भक्तजनों से कहना चाहता हूँ कि शिवकुंड पर भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है और चित्रकूट की तरफ उधर भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालु प्रसाद लेकर के जाएं, किसी भी प्रकार की यहाँ समस्या नहीं है। आराम से श्रद्धालु आते हैं, चले जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है, शांति बनाए रखें और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो शिवकुंड आकर के हमारी प्रबंधक कमेटी को बता सकते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार की आपका सहायता कर सकते हैं। इसलिए मेरे सभी भक्तों से अनुरोध है, किसी भी प्रकार का चिंता ना करें और जो भी किसी भी प्रकार की असुविधा आपको महसूस होती है तो तुरंत हमसे संपर्क करें। शिवकुंड हमारा यहाँ पर प्रबंधक कमेटी बैठी हुई है, तो यहाँ पर आकर के हमें समस्या बता सकते हैं, हम उनका समाधान करवाने की कष्ट करेंगे और किसी भी प्रकार का भक्त को यहाँ पर परेशानी नहीं दी जाएगी। जय भोले शंकर की। मैं आपका सेवक JP सैनी, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी नारनौल, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आइए और भगवान भोले शंकर के साक्षात दर्शन कीजिए। ये बहुत ही बड़ा मतलब आज का तीर्थ है, क्योंकि पुराणों में कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पर पांडवों को बताया गया था कि आप सोमवती मावस को आप दर्शन उसमें स्नान करें, लेकिन उन्होंने लाखों वर्ष हजारों वर्ष तक वहाँ पर तपस्या की, लेकिन कभी भी सोमवती मावस नहीं आई। ऐसा पावन तीर्थ आज का दिन है, तो अभी जो भी श्रद्धालु आप देख रहे हैं, सभी से श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप यहाँ पर पधारें, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, हम आपके सेवक यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें तुरंत बताएं। धन्यवाद। जय भोले शंकर की। यहाँ पे बैरिकेड और लगा दिए हैं पुलिस वालों ने, अब ओनली बाल जो ऊपर है उनको ही निकाला जा रहा है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे, तो हम भी यहाँ से ही जा रहे हैं। धूप भी काफी तेज हो चुकी है। जय बजरंगबली महाराज की, जय हो ढोकेवाले महाराज की, जय हो। अभी भी काफी भीड़ है वहाँ पे। अपना